subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे सहारा रेगिस्तान की विशालकाय नीली आंख के रहस्य के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो दुनिया में न जाने कितने ही अजीबो गरीब रहस्य है जिनके बारे में आज तक साफ साफ पता नहीं चल पाया है। एक ऐसा ही रहस्य अफ्रीका में भी है। दरअसल अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा रिचर्ड स्ट्रक्चर जिसे अफ्रीका की आंख भी कहा जाता है रहस्यों से घिरा पड़ा है। कहते हैं कि यह आंख इतनी विशाल है कि इसकी अद्भुत आकृति अंतरिक्ष से भी साफ साफ दिखाई देती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस आंख के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए है लेकिन इसके निर्माण को लेकर काफी विवाद है। कुछ लोग तो इसे एलियन का कारनामा बताते हैं। उनका मानना है कि यह विशालकाय आंख किसी परजीवी के द्वारा बनाई गई आकृति है। हालांकि वैज्ञानिकों ने लंबी खोज के बाद जो कयास लगाए हैं वह काफी तथ्यपरक साबित होते हैं। कहा जा रहा है कि सहारा का एक इलाका पूर्व में पूरी तरह से समुद्र से ढका हुआ था। धीरे धीरे बदलाव आता गया और ये इलाका दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में तब्दील हो गया। पानी के सिकुड़ते स्वरूप के चलते रेत और पानी ने मिलकर एक ऐसी आकृति का निर्माण कर दिया जो देखने में आंख की तरह लगने लगी। आगे चलकर इसे सहारा की आंख कहा जाने लगा लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से साबित नहीं हो सका है कि ये नीली आंख आखिर बनी कैसे। हालांकि एकलौती ऐसी आकृति नहीं है, इस तरह की कई आकृतियां पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में भी देखा जा सकती है जिसमें बेलिस का द ग्रेट ब्लू होल भी शामिल है। आसमान से दिखने पर यह 300 मीटर चौड़ा और 120 मीटर गहरा वृत्त बिल्कुल नीली दिखाई पड़ता है। सहारा रेगिस्तान कहाँ है ये तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता है कि ये अरब देश में है लेकिन क्या आप जानते हैं कि सहारा रेगिस्तान से 8 देशों से लगती है। दरअसल सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल ही इतना बड़ा है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल 84 लेख किलोमीटर है। ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा रेगिस्तान में अनजान लोग अक्सर भटक जाते हैं। इसका कारण है रेगिस्तान में मिटने वाले रेतीले पहाड़। अगर यहाँ कोई बिना नक्शे और दिशा सूचक यंत्र के चले तो यकीनन वह रास्ता भटक जाएगा। तो दोस्तों ये रहस्य था सहारा रेगिस्तान में बनी विशालकाय आंख के बारे में। आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें।